हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस झकास नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन के संधारित्र का। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पाया था 1/C तुल्य बराबर 1/C1+1/C2+1/C3 आता है। दूसरी बात, वहां पर आवेश नियत रहता है, विभवांतर बदलता है। अब हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की, इसकी जरूरत क्या है। मान लो आपके पास दो संधारित्र हैं जिनमें एक का धारिता है 2 फैराड, दूसरे की धारिता है 2 फैराड, परंतु आपको परिपथ में जो संधारित्र चाहिए उसकी धारिता 4 फैराड चाहिए। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनका संयोजन कीजिए या फिर आप एक नया खरीद के लाइए। तो नया खरीद के लाने से बेटर है हम उनका संयोजन करें। तो यही संयोजन मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कि है पार्श्व क्रम संयोजन। बेहद मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो भैया, मान लो आपके पास 3 संधारित्र हैं, 1, 2 और 3। तीनों संधारित्रों का अगर आप चाहते हो पार्श्व क्रम संयोजन करना, अर्थात समांतर क्रम संयोजन करना, तो बेहद आसान है। इन सबकी पहली प्लेटों को एक बिंदु पर जोड़ दीजिए। मान लो वो बिंदु X है। इन सबकी दूसरी प्लेटों को एक बिंदु पर जोड़ दीजिए, माना वो बिंदु Y है। तो पार्श्व क्रम संयोजन की सबसे खास बात क्या है, सभी की पहली प्लेटें एक बिंदु पर और सभी की दूसरी प्लेटें अन्य दूसरे बिंदु पर। इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। पढ़िए, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटें एक साथ अन्य बिंदु पर जुड़ी हों, उसे कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। अब जब आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी इनको आवेशित करना शुरू करेगी। अब मान लो बैटरी का विभवांतर वी है, तो ध्यान से सुनना, विभवांतर कब बदलता है, जब बिंदु बदलते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया है, श्रेणी क्रम में सारे के सारे जो आपके संधारित्र थे वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में थे, इसलिए उन सब पे विभवांतर अलग अलग था। परंतु यहां पे देखिए, जो पहला संधारित्र है वो किन बिंदुओं के बीच में है, एक्स और वाई। जो दूसरा संधारित्र है वो किन बिंदुओं के बीच में है, एक्स और वाई। जो तीसरा संधारित्र है वो किन दो बिंदुओं के बीच में, x और y। बैटरी किन बिंदुओं के बीच में, बैटरी भी आपकी x और y के बीच में। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे सारे के सारे संधारित्र और बैटरी ये सभी किन बिंदुओं के बीच में लगे हुए हैं, x और y। और मैंने आपको बताया था कि अगर बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर भी नहीं बदलता है, क्योंकि आपका C1, C2, C3 तीनों लगे हुए हैं x और y के बीच में, बैटरी भी लगी हुई है x और y के बीच में। इसलिए जितना बैटरी का विभवांतर है v, उतना ही इसके ऊपर होगा, मतलब इसका विभवांतर भी v होगा, इसका विभवांतर भी v होगा और इसका विभवांतर भी v होगा, क्योंकि तीनों चारों जो है, तीनों मतलब ये तीनों और बैटरी, ये सभी के सभी x और y बिंदुओं के बीच में है। मतलब अगर बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता है। इन सब में विभवांतर क्या रहेगा, सेम, एक समान। अर्थात हम बोल सकते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में जो चीज नियत रहती है वो है विभवांतर v। चलिए अब बात करते हैं आवेश की। बैटरी यहां से आवेश प्रदान करेगी। मान लो बैटरी ने q आवेश प्रदान किया, ठीक है, बैटरी ने q आवेश प्रदान किया, तो यहां से आवेश के पास जाने के 3 रास्ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर रास्ते बदलते हैं तो आवेश बदलता है, बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। यहां पर जो आपका आवेश आ रहा है उसको आगे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो इधर आवेश अलग जाएगा, इधर आवेश अलग जाएगा, इधर आवेश अलग जाएगा, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, एक ही रास्ता था। तो इधर से भी क्यों निकला, आगे भी क्यों निकला, आगे भी क्यों निकला, बट यहां पर 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो इस रास्ते में मान लो आपका आवेश गया Q1, तो ये प्लेट हो गई प्लस के Q1 पे,
ये प्लेट हो गई माइनस के क्यू वन पे, इधर से गया क्यू टू तो ये प्लेट हो गई प्लस के क्यू टू पे, ये हो गई माइनस के क्यू टू पे, इधर से गया क्यू थ्री ये प्लेट हो गई प्लस के क्यू थ्री पे, ये हो गई माइनस के क्यू थ्री पे। संधारित्र है आप जानते हो, एक प्लेट प्लस होती है एक प्लेट माइनस होती है। मोटी मोटी बात यह है कि यहां से जो आवेश निकला है वो तीन हिस्सों में बटेगा क्योंकि तो तीन रास्ते हैं। सही है, ये बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं पाइप वाले एग्जाम्पल समझाऊं जैसे पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था, तो ये मान लो पाइप आ रहा है 10 लीटर पानी आप दे रहे हो, अब ये पाइप जो है आगे तीन पाइप में बट रहा है। अब अगर यहां से आने वाला जो पाइप है वो तीन पाइप में बट रहा है, तो इधर अलग पानी जाएगा, इधर अलग पानी जाएगा, इधर अलग पानी जाएगा। बिल्कुल वैसे यहां से आने वाला आवेश तीन हिस्सों में बटेगा, उधर अलग आवेश जाएगा, इधर अलग आवेश जाएगा, इधर अलग आवेश जाएगा। तो यहां पे आपका वी नियत होता है क्योंकि सभी दो बिंदुओं के बीच लगे होते हैं, परंतु आपका आवेश नियत नहीं होता है क्योंकि रास्ते बदल जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब बनाते हैं हम तुल्य परिपथ। तुल्य के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि तुल्य क्या होता है। 8 घंटे में अगर 8 मजदूर एक दीवार बनाते हैं और एक मजदूर आकर के अकेला 8 घंटे में उसी दीवार को बना देता है, तो हम बोलते हैं कि उन 8 मजदूर के तुल्य है ये अकेला मजदूर। 5 लोग जो मिलकर काम करते हैं, अगर एक बंदा अकेले उस काम को कर दे तो उन 5ों के तुल्य कहा जाता है उस अकेले बंदे को। बिल्कुल वैसे ही ये तीनों संधारित्र मिलकर के जो काम कर रहे हैं, अगर एक संधारित्र अकेला कर दे तो उस शहंशाह को कहा जाएगा शीतुल्य। ये तीनों किन बिंदुओं के बीच में लगे हुए हैं? ये तीनों लगे हुए हैं एक्स और वाई के बीच में। वो हमारा शहंशाह शीतुल्य अकेला लगेगा एक्स और वाई के बीच में। ये तीनों किसको झेल रहे हैं? बैटरी को। वो भी किसको झेलेगा? बैटरी को। बैटरी भी लगी हुई एक्स वाई के बीच में, ये भी लगा हुआ एक्स वाई के बीच में, तो जो विभव बैटरी का है वही विभव किसका होगा? हमारे शीतुल्य का होगा। विभव मतलब बिंदु। ये भाई साहब भी एक्स वाई के बीच में आए, इनका विभव भी वी होगा। ये कितना आवेश ले रहा है? Q1। ये कितना ले रहा है? Q2। ये कितना ले रहा है? Q3। तो ये तीनों मिलकर के इस Q को बांट रहे हैं। ये अकेला किसको संभालेगा? Q को संभालेगा। तो इसमें अकेले में Q जाएगा, प्लस का Q माइनस का Q। सोचने वाली बात है, सिंपल बात है कि बैटरी से निकला Q इन तीनों ने बांटा था, ये तीनों का काम अकेला ये कर रहा है, तो इन तीनों का आवेश क्यों ये अकेला झेलेगा। तो ये हो गया आपका तुल्य परिपथ। ओके, इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसके बिना इसको समझोगे तो प्रॉब्लम होगी। तुल्य परिपथ मैंने वहां बेहतर समझाया था क्योंकि वो शुरुआत थी, यहां तो आपको बस उसको यूज करना है। तो इन तीनों का काम ये अकेला कर रहा है, तीनों मिलकर के आवेश ले रहे हैं क्यों, ये अकेला आवेश ले रहा है क्यों। तीनों मिलकर लगे हुए एक्स वाई के बीच में, बैटरी को झेल रहे हैं, ये अकेला बैटरी को झेल रहा है। बैटरी भी लगी हुई है एक्स वाई के बीच में, विभव वी है, इसका विभव भी वी होगा। विभव वी बदलता है बिंदुओं के साथ, बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभव भी नहीं बदलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब संधारित्र C1 के लिए, मतलब पहले संधारित्र के लिए, संधारित्र जिसकी धारिता C1 है उसके लिए। अब देखो एक सूत्र होता है, Q इज इक्वल टू CV, पढ़ाया आपने इसके पहले वाले वीडियोस में। तो संधारित्र जो पहला है उसके लगाते हैं अपन, तो पहले संधारित्र के लिए Q, Q कितना है? Q1 है। C कितना है? C1 है। V कितना है? V है। समीकरण 1। अब करते हैं दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे में Q कितना है? Q2 है। C कितना है? C2 है। V कितना है? V है। तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे वाले के लिए Q कितना है? Q3 है। C कितना है? C3 है। V कितना है? V है। तुल्य परिपथ से
तुल्य परिपथ में क्यू कितना है, क्यू है, सी कितना है, सी तुल्य है, वी कितना है, वी है। समीकरण चार। अब अपन जानते हैं परिपथ से कि जो हमारा Q है वो तीन हिस्सों में बटा है, Q1, Q2, Q3। तो हम बोल सकते हैं कि Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही बात है, हम जानते हैं कि यहां से जो आवेश Q गया था वो तीन हिस्सों में बटा है, तो हम बोल सकते हैं कि Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां से एक बात समझ में आती है कि अब अपन Q1, Q2, Q3 के मान समीकरण एक दो तीन से यहां रख सकते हैं और समीकरण चार से Q का मान रख सकते हैं। तो समीकरण एक दो तीन चार से आएगा Q की जगह आएगा C तुल्य इंटू V बराबर Q1 की जगह आएगा C1 इंटू V, Q2 की जगह आएगा C2 इंटू V, Q3 की जगह आएगा C3 इंटू V। सही है, मान रख दिए बस। अब यहां से V आप कॉमन निकाल लो तो C तुल्य V बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V क्या आ गया कॉमन। अब V कॉमन आ गया तो यहां से यहां काट दो, C तुल्य कितना आ गया निकल करके C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात जब हम पार्श्व क्रम संयोजन करते हैं तो हमारा तुल्य धारिता जो होती है वो सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। वहां क्या आया था, एक बटा सी तुल्य बराबर एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री। यहां क्या आया है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बराबर सी तुल्य। ठीक है, याद रहेगा। और अगर n को जोड़ा हो n संधारित्र हेतु, n को जोड़ा है तो c तुल्य होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 कहां तक, Cn तक। ठीक है दोस्तों, तो बेहद आसान चीज थी, अगर पहले वाला वीडियो देखा हुआ था, बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन हो गया। बस एक बात याद रखना, सारे दो बिंदुओं के बीच में है जो कि फिक्स है, इसलिए यहां पे विभवांतर फिक्स है। तीन रास्ते हैं जाने के लिए, इसलिए आवेश बदल रहा है। वहां पर एक ही रास्ता था तो आवेश नियत था, बिंदु अलग अलग थे तो विभवांतर बदल रहा था। फर्क समझ में आना चाहिए, दोनों में बहुत जरूरी बात है। बाकी डेरिवेशन आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं महत्वपूर्ण बिंदु लिखूंगा यहां पर पूरा मिटा करके। तब तक आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता, ये जो संयोजन आपने किया है, इस संयोजन में जो तुल्य धारिता आती है सी तुल्य, वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता मतलब सी वन सी टू सी थ्री सी एन, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। सिंपल सी बात है कि जो तुल्य धारिता आई है वो सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें सभी पर विभवांतर V नियत रहता है और आवेश बदलता है। आवेश क्यों नियत नहीं है, तो आप जानते हो कि यहां से अगर अपन सूत्र देखें तो Q बराबर क्या होता है, CV। अगर V नियत है, V नियत है, ये नियत है, तो Q किसके समानुपाती हो गया, C के। जो नियत होता है उसको हटा देते हैं और समानुपाती देखते हैं या वृत्त समानुपाती देखते हैं। तो V आपका नियत है, इसको हटाओ तो Q समानुपाती आ रहा है C के। मतलब हम बोल सकते हैं कि Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 किसके बराबर होगा, C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के। इसका न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा और बेटर में आपको, बाकी फिलहाल इजी है। अगर Q समानुपाती है C के तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर आएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के। ये दूसरी बात खास है। तीसरी बात, अब इसको समझने के लिए मान लो आपके पास तीन संधारित्र हैं, एक है
एक फैरेड का, दूसरा है 2 फैरेड का, तीसरा है 3 फैरेड का। अब अगर आपने इनका किया है समांतर क्रम संयोजन तो इनका तुल्य धारिता कितनी आएगी? इनकी तुल्य धारिता आएगी C1+C2+C3, अर्थात 1+2+3। तो 1+2+3 कितना आ रहा है? 6। भाई 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब ये देखो, ये जो तुल्य आया है 6, ये तुल्य इनमें सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है। अब यहां पे आपको पुराने वाले वीडियो की कुछ याद आएगी, वहां पे ये था कि जब इन तीनों का अपन श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इनका आता है 0.55 के आसपास, जो सबसे छोटे वाले से छोटा होता है। परंतु जब इनका पार्श्व क्रम संयोजन किया जाता है, ये वाला संयोजन किया जाता है, तो जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है। भाई 1, 2, 3 इनमें सबसे बड़ा कौन है? 3। तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो 6 आ रहा है, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा, जबकि उसमें क्या हो रहा था? सबसे छोटे वाले से भी छोटा आ रहा था। तो आप दोनों टॉपिक का अंतर समझते चलना कि उसमें क्या है, इसमें क्या है। उसमें V बदलता है, Q नियत रहता है, इसमें Q बदलता है, V नियत रहता है, सही है। उसमें सबसे छोटे वाले से छोटा आता है, इसमें सबसे बड़े वाले से बड़ा आता है। पढ़िए, संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता, जो आपकी तुल्य धारिता है वो संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होती है, संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होती है। तो इन तीनों का अगर आपने पार्श्व क्रम संयोजन किया है तो फिर जो आपकी तुल्य धारिता आएगी वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ी आएगी। और अब अपन इसको भी देख लेते हैं, अगर आपको 2 फैरेड और 2 फैरेड से 4 फैरेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को और इस 2 को ऐसे जोड़ना पड़ेगा ताकि ये समांतर क्रम में आ जाएं। जब ये समांतर क्रम में आएंगे तो सूत्र लगेगा C1+C2, सूत्र लगेगा C1+C2, और 2+2 आपको कितना मिल जाएगा? 4। और अगर इन्हीं से आपको 2 और 2 से 1 प्राप्त करना था तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या किया था? उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था तो 1 आ गया था। तो आप चाहो तो 2 और 2 से 4 भी बना सकते हो पार्श्व क्रम में जोड़ के, और अगर आप चाहो तो 2 और 2 से 1 भी बना सकते हो जैसा पहले वाले वीडियो में किया था श्रेणी क्रम में जोड़ के। तो हमारे पास जो है, क्या है हमारे पास? 2 फैरेड 2 फैरेड। उससे हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं संयोजन की सहायता से। इसलिए आपके टॉपिक की स्टार्टिंग थी कि उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। और ये मैंने आपको समझाया कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है और इसकी खास बातें क्या क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप जब भी कमेंट करते हैं मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और उस कमेंट को पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। आपके लाइक्स को देखकर मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक शाम 6 बजे मैं आपके लिए इस तरह के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। थैंक यू। और अगर आपको इसके कलरफुल नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।